हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग बताने जा रहे हैं जिसको आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। अगर इस वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो सबसे पहले नीचे में लाल बटन दिख रहा होगा, सबसे पहले उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे, और हो सके तो शेयर भी जरूर करें। वीडियो को करते हैं शुरुआत। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ पाँच ऐसी चीज़ क्या है जो आपकी ज़िंदगी में सीक्रेट रखना ही रखना है, किसी को बताना नहीं है। मतलब सीक्रेट कहने का मतलब अपने तक ही सीमित रखना है, मतलब किसी को बताना नहीं है जो भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैं पांच पॉइंट्स ऐसे बात करूंगा जिससे आपको अपने लैब में एग्जीक्यूट करना है, जो ताकि आप जो भी लक्ष्य और जो भी आपका पर्पस है उसमें खड़े उतर सकें और उसको अचीव करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। पहला बात हम करेंगे ड्रीम्स, गोल्स एंड पर्पस। ड्रीम मतलब सपना, रात का सपना नहीं, जीती जाती जिंदगी में मतलब वो सपना जिसको सपना पाकर आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, नेम फेम कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, मतलब जहाँ जाएं आपका इज्जत बना रहे, मतलब जहाँ जो भी रेस्टोरेंट में जाएं, जो भी मॉल में जाएं, आपको सोचना ना पड़े, किसी का टैग नहीं देखना पड़े कि हाँ किस तरह प्राइस है, जब भी मन करे आप खरीद सकते हैं। इस तरह का आपको अगर सपना देखे हैं तो उस सपना को पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है। जब भी ये सारा चीज़ तभी संभव होगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी सरकारी ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कभी लॉयर वकील बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अच्छे चार्टर अकाउंटेंट बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी फील्ड का इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं, ड्रीम्स को पाना चाह रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि हम जब भी मन करें हम किसी भी सिटी में जाकर घूम लें, मतलब फ्लैट के थ्रू, ऐसा अगर सपना देखें तो आप एक ही चीज़ से पा सकते हैं, वो है आपको ड्रीम, पर्पस, प्लान। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान पर खड़े उतरना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात यह है कि लड़का लोग क्या करता है, लड़की लोग क्या करता है कि प्लान तो बना लेता है, सारा आइडिया लिख लेता है कैसे क्या करना है, मतलब सिलेबस अपने सामने रख लेता है, लेकिन जब तैयारी कर रहा होता है तो ज़्यादातर क्या करता है कि लोगों को बता दिया जाता है, अपने फ्रेंड सर्किल में बता दिया जाता है मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको करना नहीं है, तब तक नहीं बताना है जब तक आपका रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मार्क्स मैच करवा लेते हैं, जब भी एग्ज़ाम देकर निकलते हैं सेंट्रल का कोई भी जॉब का कोई भी माने कंपटीशन का, और जस्ट बताने लगते हैं कि मेरा इतना आया इतना आया। ऐसा कुछ करना नहीं है, जब तक आपको याद रखिए, अपने दिमाग में ये बात घुसा लीजिए, मतलब जब तक रिजल्ट हमारे सामने दिखे ना, फाइनल रिजल्ट, तब तक आपको किसी को शोर मचा कर नहीं कहना है कि हम इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा कीजिएगा तो आपको हमेशा कोई ना कोई आकर आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, बोलेगा कि इस चलो इधर इधर उधर घूमने के लिए चलो, इधर की पार्टी कर लो, इधर उधर की पार्टी कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी समय आप अपने लाइफ में दिए हैं, 6 महीना, 1 साल, जो भी आपका समय है, मतलब उस समय को किसी को ना दें, किसी को बांटे ना, ऐसे एक रूम में बंद कर लीजिए कि आपको कोई पता नहीं चले, किसी को पता नहीं चले, आपको हर कोई को पता लगे कि मर गया है, वो कहीं चल गया है, कहीं कुछ कर रहा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। आपको बस अपने डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ लगे रहना है अपने गोल के प्रति, तभी आप अच्छे से उस रिजल्ट को पाइएगा। अगर आप सही में सच्चे मन से आप उस चीज़ की मेहनत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर आपने लाइफ में कामयाब होइएगा। तो इस तरह से सीक्रेट बात रखिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा तब बताइएगा, अलग अलग प्रेस रिपोर्टर को बुला लीजिएगा, न्यूज़पेपर में छपवा दीजिएगा कि हाँ मैंने इस तरह का मेहनत करके वो प्राप्त किया है, लेकिन अभी नहीं बताना है। आपको अपने ऊपर इमोशनल को कंट्रोल करना है, खूब मेहनत करना है, मेहनत करके आपको रिजल्ट में नाम लिखवाना है। ठीक है, तो इस तरह का ड्रीम्स, गोल्स, पर्पस, प्लान, ये सारा किसी को बताना नहीं है। ठीक है, जब तक आपका नाम लिस्ट में ना जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है सीक्रेट ऑफ अदर पीपल। जो भी आप पे ट्रस्ट किया है, जो भी आपका फ्रेंड अगर वो अपना सीक्रेट बताता है गर्लफ्रेंड के बारे में या कोई किसी के बारे में, मतलब उस सीक्रेट को उतना ही अपने तक ही लिमिट रखिए। मतलब कोई होता ना कि बता दिया तो तीसरा आदमी को भी बता दिया,
वो बोल दिया कि सीक्रेट है तो सीक्रेट है तो अपने तक सीमित रखना चाहिए, दूसरे को क्या बताने की जरूरत है। तो वो आपको सोचना चाहिए, अगर वो आपको ट्रस्ट किया है तो आपको भी उसके प्रति इमोशनल इमोशनल रहना चाहिए, मतलब ट्रस्ट रखना चाहिए। किसी को बताना कि क्या जरूरत है, आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, कोई बिलीव किया है तो उस बिलीव पे खड़े उतरिए, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा है हाउ मच यू अर्न, कितना आप कितने कमाते हैं वो भी मायने रखता है, मतलब कितना कमाते हैं उसको सीक्रेट रखना है, किस कंपनी से, किस सोर्स से, किस फील्ड से आप कमा रहे हैं उसको भी लिमिट तक रखना है, मतलब अपने लिमिट तक। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, कोई बता देगा तो वो आंकने लगता है कि हाँ मेरे से कम दर्जे का लड़का है, इसलिए पैसा बताओगे वो रिएक्ट करेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा, वही इज्जत वैल्यू नापेगा तोलेगा। यही हो रहा है आजकल की दुनिया में, क्या हो रहा है कि आप बता देते हैं अपना इनकम कि हाँ मेरा इनकम 25,000 है महीने का, कोई बता दिया 60,000 तो वो तौलने लगता है कि 60,000 ये बेहतर इंसान है, उसी पैसे के अकॉर्डिंग, उसी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग वो तौलता है, उसको इज्जत ज़्यादा मिलता है, आपको कम मिलता है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, मतलब ऐसे रहिए कि पर्सनैलिटी आपका इवॉल्व होए, लेकिन आप अपना इनकम कभी ना बताइए किसी को भी, लड़की को या लड़का को जो आपके सर्किल में भी हो, किसी को भी ना बताएं, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है कि हाउ मच यू डोनेट। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब कमा रहा है 70,000 80,000 और उसमें से डोनेट भी कर दे रहा है अपने पैसे को किसी बेसहाय आदमी को, मतलब कोई गरीब है या चैरिटी है उसमें दे दे रहा है, मतलब जो दोगे वही आएगा, उसका बहुत ही दयावान व्यक्ति अभी भी जिंदा है इस पृथ्वी पे। तो आपको भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी रखें कि डोनेट जब करते हैं तो आपको दिखाकर नहीं करना है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुस्लिम लोग बकरीद मनाते हैं या हिंदू लोग कुछ पर्व मनाते हैं तो एकदम दिखा देगा कि हाँ हम इतना बकरा खरीद रहे हैं, इतना बकरा खरीद रहे हैं, ऐसे क्या जरूरत है कि बकरा खरीद रहे हैं तो हमको दिखा देना है कि हाँ बकरा हम इतना चार को खरीद रहे हैं, इतना महंगा खरीद रहे हैं, पूरा समाज के से ज़्यादा मैं ही महंगा खरीदा हूँ। ऐसा करने से कभी अल्लाह आपको देगा नहीं, मैंने आगे आने वाले नस्ल को नहीं देगा। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है, हर कोई की लाइफ बदलेगा एक ना एक दिन, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्टैटिक है, डायनेमिक होगा, डायनेमिक नेचर का होगा। आज किसके पास दौलत है तो कल किसी और के पास रहेगा, जो जितना मेहनत करेगा वही उतना पाएगा, इसलिए ईगो कभी मत पालिए। और जो भी आप डोनेट करते हैं उस डोनेट को कभी बताइए नहीं, माइक नहीं करवाइए, माने जब भी आप पैसा देते हैं, जो भी आप टेंपल में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि आप पैसा देते हैं तो ऐलान करवाया जाता है, तो ऐलान क्यों जट करवाना, माने आप अच्छे इंसान हैं तो आप पैसा देकर बस ऐसे ही लौट कर आ जाएगा, आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, आपको नाम कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलना आदमी उतना पैसा दिया है, ऐसा क्यों कहना है आपको, जाते हैं पैसा देते हैं बिना नाम कहे हुए बोल दीजिएगा कि फलना आदमी दिया, और नाम बताना नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, यही अच्छा इंसान होता है। इसलिए इसको सीक्रेट रखिए, जो भी डोनेट करते हैं सीक्रेट रखिए, ठीक है अपने पास। और पाँचवा लास्ट पॉइंट्स, योर डिफेक्ट्स मिस्टेक्स एंड इनसिक्योरिटीज वर्क इन साइलेंस लेट रिजल्ट्स स्पीक टू यू, मतलब जो भी डिफेक्ट है, जो भी आप मिस्टेक करते हैं वो किसी को बताया ये मत, कभी आप अपना कमजोरी किसी को बताइए मत, वो आपको बहुत ही इन बिहेव करेगा, मतलब व्यवहार गलत करेगा, इसलिए कभी अपना गलती किसी को बताइए नहीं। गलती हुआ जाइए रूम, लिखिए कहाँ पर गलती की, किस कारण हम उस गलती को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब उस गलती से कैसे हम टकरा सकते हैं, मतलब उससे कैसे हम बच सकते हैं, तो उस गलती को फुलफिल कीजिए और उससे बाहर निकलिए, तभी आप कामयाब होइएगा। इस तरह का सोचिएगा, विचार कीजिएगा तो आप अच्छे इंसान कहलाइएगा, किसी के नज़र में आप गिरिएगा नहीं, नज़र में नहीं गिरिएगा, इस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर इस पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए लाइफ में, सीक्रेट रखकर किसी को बताना ही नहीं है, इस पॉइंट को अच्छे से आप अब इम्प्लीमेंट कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए अपने लाइफ में, तो देखिएगा आपका लाइफ पहले से 5 गुना बेहतर हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें, ताकि लोग दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।